जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ा था हमने, जिसमें हमने ओरिजिन की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी एडवांटेजेस की। पहला कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। होम असाइनमेंट आपकी चेक हो रही है। मीनवाइल आपको कल के लेक्चर के लिए जो होम असाइनमेंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने सीखना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 सेकंड कंसेप्ट अपना। लेकिन उसको सीखने से पहले जो कल की होम असाइनमेंट थी हमारी, उसकी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव घर जाके पढ़ा हो, उसमें अगर कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, तो आपने पूछना है, ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर के जो कंसेप्ट फ्रेश कंसेप्ट हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो पहले डिस्कशन की तरफ चलते हैं, अपनी होम असाइनमेंट की और पास्ट पेपर्स की डिस्कशन की तरफ। लाइट्स जी। सबसे पहले क्वेश्चन 1। अच्छा, इस डिस्कशन का एक फ़ायदा ये भी होगा, एक तो ये इस डिस्कशन के दौरान में हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के साथ साथ केस स्टडी को भी डिस्कस करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि केस स्टडी का क्वेश्चन कैसे आता है, हमने उसका एनालिसिस कैसे करना है। फिर उसके बाद देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होती है। क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आएगी, रिक्वायरमेंट में कौन से वर्ड्स हमारे लिए अहम है, रिक्वायरमेंट के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ करने से हमने क्या चीज़ लिखनी है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लेक्चर के दौरान में डिस्कस नहीं हो सकती, ठीक है। तो उनके लिए जब तक पास्ट पेपर्स हमारे सामने नहीं आएंगे, क्वेश्चंस को हम वर्ड बाय वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि इसको एग्ज़ाम में टैकल कैसे करना है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो डिस्कशन के दौरान में मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ चीज़ें जो कंसेप्ट से रिलेटेड हैं वो तो हम कंसेप्ट में डिस्कस कर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इससे रिलेटेड जो टिप्स एंड टेक्निक्स होंगी वो मैं आपको पास्ट पेपर की होम असाइनमेंट की डिस्कशन के दौरान सिखाऊंगा। तो इसलिए ये ना समझिएगा कि जो पास्ट पेपर की या होम असाइनमेंट की डिस्कशन है ये डुप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें तो हमने पहले पढ़ ली हुई हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और वो चीज़ें आपके लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कंसेप्ट। अच्छा, डिस्कस द कंसेप्ट एग्जाम में डिफरेंट वर्ब यूज़ करता है, डिस्कस, एक्सप्लेन, समराइज और इसके अलावा कोई एनालाइज और कुछ और वर्ब्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, ठीक। कोई भी वर्ब यूज़ कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे वर्ब्स का मतलब एक ही है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कम करना है, ज़्यादा लिखना है या कम लिखना है, इसका ये डिपेंड इस वर्ड वर्ब से नहीं करता, बल्कि ये चीज़ डिपेंड करती है मार्क्स से, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि एग्जाम में कोई भी वर्ब यूज़ कर ले, कोई भी कर सकता है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को ये पहचानना है क्वेश्चन में कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है या केस स्टडी का क्वेश्चन है। सबसे क्वेश्चन को देख के सबसे पहली चीज़ आपने क्या पहचाननी है या क्या फैसला करना है, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है या के केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो ये पहली पहचान आपको बता रहा हूं। नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा वो छोटा होगा, वो होगा 2-3 लाइनों में निमट जाता है। लेकिन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें चूंकि उसने हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, वो 2-3 लाइनों का नहीं बल्कि 2-3 पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा। नॉर्मली केस स्टडी का क्वेश्चन लेंथी होता है। तो ज़रा मुझे बताइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको देख के मुझे बताइए आपकी जजमेंट क्या कहती है, क्या ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है या केस स्टडी? रिप्रोडक्शन का, बज़ाहिर हमें ये नजर आता है, ठीक है। लेकिन याद रखें, कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन दो पैराग्राफ दिए हैं, एंड पे रिक्वायरमेंट में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन मांग लेता है, ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल पहली नज़र में हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्कस द कंसेप्ट्स ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टीवर्डशिप का कंसेप्ट बताओ, अकाउंटेबिलिटी का,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, ये जो लिमिटेड कंपनी का कंटेक्स्ट है ये अल्फाज हमारे लिए नए हैं, कंसेप्ट में ये तो हमने नहीं पढ़े थे, तो क्या ये कोई और कंसेप्ट हमसे पूछ रहा है? नहीं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मैंने सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया है और आपने सारा सिलेबस कवर किया है, सिलेक्टिव स्टडी ने की, मैंने सारा सिलेबस कवर करवाया है और आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, एग्जाम में इंशाल्लाह एक नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपने पढ़ा ना हो, जो आपको आता ना हो, एक नंबर। हाँ, इसमें वो दाव क्या खेल सकता है, वो सिर्फ ये करता है कि कंसेप्ट हो सकता है हमने कुछ और लफ्ज के अल्फाज के साथ पढ़ा हो, वो किसी और वर्ड के साथ पूछे, बाज़ूकात कुछ अल्टरनेट टर्म्स होती है ना, अल्टरनेट टर्म, जैसे आज हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट लेटर, इसी को ही लेटर ऑफ वीकनेस भी कहते हैं, तो हम ज़्यादातर बोलने में मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट लेटर का वर्ड यूज़ करते हैं, एग्जाम में मे भी वो लेटर ऑफ वीकनेस पूछ ले, तो आप परेशान हो रहे होंगे ये चीज़ तो हमने कभी पढ़ी नहीं, तो याद रखिए इसीलिए हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हुए अल्टरनेट टर्म्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जहन में रखिएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर आपने सिलेबस सारा याद किया हुआ है तो ये इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने बैठना है कि ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है मुझे आता है, लेकिन शायद इसने टर्म चेंज कर दिया। जैसे हमारे एक दफ़ा एक क्वेश्चन में कंसेप्ट हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक वर्ड यूज होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एग्जाम में उसने उसकी डेफिनेशन पूछ ली वर्ड ऑडिट स्केप्टिसिज्म के साथ, अब स्टूडेंट कहने लगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अब बताइए अगर ऑडिट स्केप्टिसिज्म आ जाए आप क्या सोचेंगे एग्जाम में बैठ के, पहली ऑप्शन कि ये कोई ऐसा कंसेप्ट है जो सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं, दूसरी ऑप्शन ये सोचें कि नहीं सर ने कंसेप्ट सारे पढ़ाए हैं हमने सारे याद किए, इसने कोई लगता है डिफरेंट टर्म यूज किया, फिर आप अपनी जजमेंट अप्लाई करेंगे कि कौन सी टर्म हो सकती है जिसको उसने थोड़ा सा चेंज किया। तो स्केप्टिसिज्म का लव कंसेप्ट हमारे पूरे ऑडिट में एक जगह पे उसने बताया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के नाम, उसी को ऑडिट स्केप्टिसिज्म भी कहते हैं। तो याद रखिए अगर आपने सिलेबस सारा कंप्लीट किया है, एग्जाम में आपने इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि फेमिलियर नहीं है तो जहन में रखिएगा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, सिर्फ ये सोचना है कि इसने कोई टर्म तो चेंज नहीं कर ली। तो यहाँ पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिमिटेड कंपनी, भाई ये जो हमने स्टडी किया था स्टीवर्डशिप अकाउंटेबिलिटी, ये कंपनी के केस में तो होता है, डायरेक्टर और ओनर्स कंपनी के केस में डिफरेंट होते हैं ना, तो जो उनका रिलेशनशिप हमने पढ़ा था वो बाय डिफॉल्ट कंपनी में ही अप्लाई होता है, तो इन अल्फाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या करना है स्टीवर्डशिप अकाउंटेबिलिटी, जब भी कोई क्वेश्चन आए केस स्टडी का या रिप्रोडक्शन का आपने ये आदत बना ले उसको पढ़ के जो उसमें सबसे अहम अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करना। अब आप बताइए आपकी जजमेंट के मुताबिक इस क्वेश्चन में सबसे अहम अल्फाज कौन से हैं? एक स्टीवर्डशिप, एक अकाउंटेबिलिटी, आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करेंगे ना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आता है कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ के इसको अपने जहन में सॉल्व कर लिया हुआ समझ आ गया, लेकिन अगर आप पढ़ के रीडिंग टाइम होता है ना पढ़ के आप आगे निकल जाएंगे ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पढ़ा ही नहीं हुआ। जैसे बुक का कोई पेज होता है लेक्चर के दौरान में आपने उसके ऊपर कोई नोटिंग की हो ना तो बाद में महीने बाद भी अगर वो पेज आपके सामने आए तो नोटिंग की होती है उससे रिकॉल हो जाता है, अच्छा सर ने ये बात बताई थी मैंने ये लफ्ज़ लिखा था वो याद आ जाता है, लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया हो तो महीने बाद सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं हुआ। तो एग्जाम में अपने हर कीवर्ड को फिर अंडरलाइन, हर लफ्ज को नहीं कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। तो स्टीवर्डशिप अकाउंटेबिलिटी, अच्छा फिर इसके बाद मार्क्स को देखना है और आपने जजमेंट अप्लाई, एग्जाम में सबसे बड़ी जजमेंट आपने ये अप्लाई करनी होती है मार्क्स की एलोकेशन, कि उसने 4 मार्क्स के साथ पूछा है तो रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसने मार्क्स की एलोकेशन क्या की होगी। जैसे अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँगा ना तो मैं सोचूंगा उसने 2 कंसर्ट पूछे हैं स्टीवर्डशिप, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप के 2 मार्क्स होंगे और 2 मार्क्स अकाउंटेबिलिटी के होंगे। अब हो सकता है मे बी जब आई कैब अपनी मार्किंग स्कीम इशू करे तो स्टीवर्डशिप का 1 मार्क हो और अकाउंटेबिलिटी के 3 मार्क्स हों, पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत कम है लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी है, तो जजमेंट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपका पहला काम यह होगा कि आपने जजमेंट अप्लाई करनी है
कि उसने क्वेश्चन की मार्क एलोकेशन किस तरीके से की होगी, फिर आपने उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मेरी जजमेंट ये कहती है कि स्टीवर्डशिप के दो मार्क्स होंगे, अकाउंटेबिलिटी के दो मार्क्स होंगे, मैं उस लिहाज से चार लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, चार लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मली जो एक एग्जाम में एक पॉइंट को हाफ मार्क एलोकेट करता है, नॉर्मली एक पॉइंट को, तो इसका मतलब है अब मैंने स्टीवर्डशिप या अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो मैं चार पॉइंट्स या यूं कह ले चार लाइंस वो लिखूंगा, दो नंबर मेरे हो जाएंगे, फिर चार लाइंस अकाउंटेबिलिटी के केस में। क्लियर हो गया? ये जो मार्क्स एलोकेशन आप करेंगे ना, ये आपको गाइड करेगी कि आपने कितना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम, आगे चलते नेक्स्ट। ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी थी, ठीक है, पहला कंसेप्ट का पहली केस स्टडी जी। केस को फौरन देख के मुझे बताइए, पहली नजर में क्या जजमेंट आपकी कहती है? केस स्टडी लेंथी क्वेश्चन, और नॉर्मली केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि ये जो ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन दी है ना, इसके कंटेक्स्ट में बताइए। केस स्टडी के केस में जो केस स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी ना, उसका हमेशा लिंक बनाएगा, उसको रेफर करता होता है कि इस सिचुएशन में बताइए अब क्या करना। तो इसका मतलब ये हुआ उसने आपके बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी कि भाईजान ये केस स्टडी है, इसको आपने आंसर करना है ना, तो जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपने इसके अंदर रह के आंसर करना है। केस स्टडी का असूल होता है जो इंफॉर्मेशन दे उसके अंदर रह के आपने आंसर। जैसे अगर नॉर्मली मुझसे कोई पूछे ना कि बताइए वो कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से ऑडिट करवाना होता है, तो मैं सारे के सारे एडवांटेजेस छाप दूंगा कि ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, ये इसलिए ऑडिट करवाना जरूरी है। लेकिन अगर केस स्टडी में उसने मुझसे पूछा है, तो याद रखें मैं सारे के सारे जो एडवांटेजेस याद किए हुए हैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि केस स्टडी का असूल है क्या, आपने गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चल के हम एक टॉपिक बनेंगे। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें बताता है, आपको बताया था ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और हमें कहता है इसमें से वीकनेस आइडेंटिफाई करो क्या क्या है। अब हमने जब सिस्टम क्लास में पढ़ा होता है ना, तो उसमें हो सकता है हमने 15-20 वीकनेसेस स्टडी की हो कि सिस्टम में हो सकती है। एग्जाम में जब वो हमें कोई सिस्टम डिस्क्राइब करता है ना, तो उसमें सिर्फ 5-6 एक्टिविटीज बता रहा होता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं भला, गैस करेंगे जो याद की होती हैं, और ये भी वीकनेसेस थी सारी छाप दी। क्या एग्जामिनर उसके मार्क्स देगा? उसके मार्क्स नहीं देगा, क्यों? केस स्टडी का असूल है गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर रह के उसको सॉल्व करना है। ये जहन में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। ये आपके दुनिया की हर, सिर्फ ऑडिट की नहीं, दुनिया की हर केस स्टडी में ये रूल काम आएगा कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अंदर रहते हुए हमने केस स्टडी सॉल्व करना है। केस स्टडी आगे, सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। जब कभी केस स्टडी आए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। इसकी रीजन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। जब आप पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको नहीं पता रिक्वायरमेंट में क्या पूछने जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो बहुत से टॉपिक्स में पूछ लेता है। रिक्वायरमेंट सिचुएशन या फैक्ट्स एक ही तरह के होते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं। अगर आप पहले इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना क्वेश्चन की, यहां से शुरू करेंगे पढ़ना, तो आपको नहीं पता एंड पे जाके रिक्वायरमेंट में क्या पूछने वाला है। आपका माइंड ओपन एंड है, आपके माइंड में पूरे ऑडिट के सारे चैप्टर्स घूम रहे होंगे कि इस लाइन की वजह से ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, इस लाइन की वजह से ये कंसेप्ट अप्लाई। लेकिन जब आप रिक्वायरमेंट को पढ़ लेंगे उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे, तो आपको पता है रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है। आपका माइंड फोकस हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट के लिहाज से ये तो इस चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है। अब इसका मतलब जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के ऊपर फोकस कर रहा होगा आपका माइंड। आप फोकस होंगे और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन को रूल आउट करते जाएंगे, रिक्वायरमेंट के लिहाज से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करते रहेंगे। वरना डायरेक्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा इसमें रिक्वायरमेंट के लिहाज से कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। तो दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, पहला केस स्टडी का असूल क्या बताया आपको,
कि गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर है कि सॉल्व करना है, दूसरा क्या कि पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए रिक्वायरमेंट के लिहाज से कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, उसको अंडरलाइन करते रहे, वरना पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी, फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर दोबारा से इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी. रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट न्यू हेल्थ फूड एक ऑर्गेनाइजेशन है शुड हैव एन ऑडिट एंड विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड. बताइए कौन से फैक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए न्यू हेल्थ का. इसका स्पेसिफिक इस न्यू हेल्थ की बात पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि किसी भी कंपनी का बताओ ऑडिट होना चाहिए कि नहीं. इस तो हमने इसी के बारे में बताना है, और कह रहा है बताओ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है. देखें हमने डिस्कस किया था कल, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं होता. तो हमारे पास हो सकता है कि कुछ क्लाइंट आए हमारे पास और हमसे पूछे सर बताइए क्या हमें ऑडिट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या ये कहना चाहिए कि नहीं भाई ऑडिट करवाओ, हम इसलिए तो बैठे हैं. रिजल्ट आता ना आपका, कुछ स्टूडेंट्स जो पास नहीं हो पाते वो आके मशवरा लेते हैं सर क्या हमें दोबारा क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. तो हमें, हम जो टीचर बैठे हुए हैं, हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, हमारा तो बिजनेस है. अब बताइए क्या हमें हर आने वाले स्टूडेंट को ये मशवरा देना चाहिए भाई ले लो क्लासेस, कि उससे इंफॉर्मेशन पूछनी चाहिए क्या आपकी सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं की, आपने कहीं छुट्टियां तो नहीं की थी, होम असाइनमेंट करते रहे थे, अगर ये सारी चीजें करते रहे थे फिर आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, अगर कहीं पे ज्यादा बड़ी डेफिशिएंसी है फिर क्लासेस की जरूरत है. उसी तरीके से यहाँ, हालांकि हम ऑडिटर हैं लेकिन हमें ये फैसला समटाइम करना पड़ता है. क्लाइंट आके हमसे पूछता है सर बताइए हमें ऑडिट करवाना चाहिए कि नहीं, अब वो आपसे ये एनालिसिस करवा रहा है कि इस इन क्वेश्चन में बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपको ये लगता है कि ऑडिट होना चाहिए और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे लगता है कि ऑडिट की जरूरत. दोनों तरह के फैक्टर्स पूछ लिए कि क्वेश्चन रिक्वायरमेंट समझ आ गई. जी हाइब्रिड वाले स्टूडेंट आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हाथ उठा दीजिए. अच्छा अगर आवाज़ दरमियान में स्किप हो रही, स्किप तो नहीं हो रही, ये किसी स्टूडेंट को माइक दीजिएगा, किसी एक स्टूडेंट को माइक दीजिएगा, मैं देखना चाह रहा हूँ आपकी आवाज़ भी मेरे तक आती है कि नहीं है. उधर हमारे कोई भाई बैठे हुए हैं हाइब्रिड में, जी जी ये लेफ्ट साइड वाली जो हाइब्रिड है ये कौन सा रूम, रूम सिक्स है ये, रूम सिक्स में से किसी स्टूडेंट से बात करवाइए मेरी, और रूम फोर में से, ये सात रूम जी, कौन स्टूडेंट है जरा खड़े हो जाए ताकि मुझे आइडेंटिफाई कर लूँ, जो स्टूडेंट बात कर रहे हैं खड़े हो जाए काइंडली. जी भाई आवाज आ रही है आपको, अच्छा मुझे बताइए अभी केस स्टडी के दो सूल मैंने बताए जरा रिपीट कर दीजिए, वो दो सूल क्या थे, पहला सूल क्या केस स्टडी अटेम्प्ट करने का, थोड़ा सा ऊंची बताइएगा, मेरा माइक थोड़ा करीब कर ले, पहले रिक्वायरमेंट उसके पास है, और दूसरा असूल क्या था, दूसरा असूल ये दूसरी हाइब्रिड क्लास में बताइए स्टूडेंट, रूम नंबर सिक्स में से बताइए जी, दूसरा असूल क्या था जी, जी दूसरा असूल बता दे कोई स्टूडेंट, बता किसी किसी को भी दे दे माइक, कोई बता दे, डर ऐसे रहे माइक, कोई करंट नहीं आपको बड़ा, बता दें जी, जी बिल्कुल आवाज आ रही है, ठीक है शाबाश शाबाश. चलिए तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है यू आर द सीनियर मैनेजर इन ए स्मॉल ऑडिट फर्म एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए क्लाइंट्स जो है उसको एक्वायर करना है. भाई ये तो हमें ऑडिट फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारे क्लाइंट के बारे में जिसका डिसीजन करना है उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है ये इन्फॉर्मेशन इरेलेवेंट है. ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था वो क्या करता था, सर ये क्वेश्चन के स्टार्ट में सलाम दुआ कर रहा है हमारे साथ, है सलाम दुआ कर, तो अभी ये सलाम दुआ कर रहा है, इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो हमारे रेलिवेंट हो, काम की हो. न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप विद थ्री स्टोर्स. एक बिजनेस और फैमिली ओन्ड है, यानी बहन भाई हैं,
सारे एक ही फैमिली ओन कर रही है, और तीन स्टोर, बताइए इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए रेलिवेंट हो? क्या इसमें कीवर्ड क्या है? इसको अंडरलाइन करना है आपने, पार्टनरशिप। तो ये कौन सा फैक्टर है जो ये सजेस्ट करता है ऑडिट होना चाहिए, या ये सजेस्ट करता है कि रिक्वायर्ड नहीं है? रिक्वायर्ड नहीं, शाबाश। नेक्स्ट, इन डिस्कसिंग द बिजनेस यू लर्न दैट न्यू हेल्थ फूड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग टू ए फोर स्टोर इन ए नियर बाय सिटी बट इज अनडिसाइडेड अबाउट हाउ टू फाइनेंस द एक्सपेंशन। वह कह रहे हैं हम एक चौथा स्टोर भी ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से अरेंज करेंगे इसके बारे में भी हम अनडिसाइडेड है। इसमें कोई इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट? अभी हमें यह नहीं बता रहा कि फाइनेंस कहां से आएगा। जब ये फैसला कर लेगा ना, जब डिसीजन कर लेगा, तब हम उसको बता सकते हैं। जैसे कह रहे हैं दे आर कंसीडरिंग इधर बोरोइंग फ्रॉम ए बैंक और फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओनर्स। अब हमारे सामने इंफॉर्मेशन, अब हम उसको बता सकते हैं क्या? ए भाई जान, अगर आपने बोरोइंग की बैंक से, ऑडिट कराना पड़े, अगर आप चाहते हैं ना, अगर आपका फैसला कि बोरिंग करनी है फिर ऑडिट करवा लें, क्योंकि बैंक के पास जब जाएंगे ना, बैंक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा। और अगर आप खुद से फाइनेंस करना चाहते हैं तो फिर रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, आपने वो किसी सब्जेक्ट में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा होगा ना कि हम शेयर्स इशू करके भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, बोरिंग करके भी कर सकते हैं। तो बोरिंग करेंगे तो उसके लिए आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो इसमें, इस लाइन में एक फैक्टर ऐसा है जो सजेस्ट करता है कि ऑडिट रिक्वायर्ड है, वो कौन सा फैक्टर? अगर बोरिंग बैंक से करते हैं। और कौन सा फैक्टर सजेस्ट करता है कि ऑडिट की जरूरत नहीं होगी? अगर एग्जिस्टिंग ओनर से पैसे लेते हैं। द ओनर्स आर टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, थ्री ऑफ होम एक्टिवली मैनेज वन स्टोर ईच एंड द फोर्थ विल मैनेज द न्यू स्टोर नेक्स्ट ईयर। वो ब्रदर सिस्टर है, उसने स्टार्ट में बता दिया था फैमिली ओनर। इसका मतलब है बाहर का बंदा कोई नहीं, बाहर का बंदा कोई नहीं। वो जो हमारा ऑडिट ओरिजिनेट स्टार्ट हुआ था ना, वो स्टार्ट कहां से हुआ था? कन्फ्लिक्ट से, कन्फ्लिक्ट से। सर ये देखिएगा दरम्यान में, मुझे लगता है एक सेकंड के लिए ना, या सेकंड के कुछ हिस्से के लिए आवाज स्किप हो रही है। तो बाहर का बंदा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑडिट रिक्वायर्ड। लेकिन घर के बंदों में से एक पर्सन ऐसा है जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। अब एज ऑडिटर सोचें, स्केप्टिसिज्म सामने रखे, स्केप्टिस मतलब एविडेंस, कल रूल बताया था ना, ट्रस्ट नो वन विदाउट, इस एटीट्यूड को, इस सोच को हम कहते हैं स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म को सामने रख के बताइए, जो भाई घर बैठा है वो कहेगा ये तो मेरे बहन भाई है, ये थोड़ी मेरे साथ धोखा करेंगे, अब मुझे किसी ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के सामने लाएंगे मैं उसको ठीक मान लूंगा। क्या वो ये करेगा? क्या करेगा? कहेगा भाई ऑडिट करवा के लाओ, मुझे क्या पता, मैं तो घर में बैठा हूँ, पता नहीं उधर तुम एक्सपेंसेस जो है कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, मुझे सिर्फ वही बातें बता रहे हो कि इतने खर्चे हो गए, असल में होना ठीक है, या इनकम हो लेकिन मुझे कम बता रहे हो। तो फैमिली में भी अगर कोई पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बताइए क्या उसकी ये डिजायर होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो? बिल्कुल हाँ। तो ये एक फैक्टर है, ये दो फैक्टर्स आ गए। एक ये देखे, दोनों फैक्टर डिफरेंट है। एक फैक्टर ये है कि बाहर का बंदा कोई नहीं, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो शेयर होल्डर्स ही मैनेजर्स हैं, तो इसका मतलब ये वो अपने साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। ये एक रीजन है कि ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि बाहर का बंदा कोई नहीं ना जो फ्रॉड करे। लेकिन घर के बंदों में से भी सारे काम नहीं कर रहे बिजनेस में, एक घर बैठा है, तो उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि ऑडिट करवाया जाए। क्लियर हुई है बात? तो हमें पता चल गया क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ लिया कि नहीं आपने रिक्वायरमेंट। अगर आपने इसमें से ज्यादा नहीं, एक एक रीजन भी आइडेंटिफाई, देखें पहली केस स्टडी थी जिंदगी, एक रीजन भी आइडेंटिफाई कर ली ऑडिट होने की और एक ना होने की, तो मकसद पूरा हो गया हमारा। क्योंकि इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि आप इस काबिल हो जाएं, रिक्वायरमेंट को समझ सकें। केस स्टडी तो हम सॉल्व करते ही रहेंगे। क्लियर ये? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी जी,
हाँ सॉल्यूशन में एक उसने वर्ड लिखा है एक्सटर्नल ऑडिट, हम तो सिर्फ ऑडिट का वर्ड यूज करें, एक्सटर्नल क्या होता है? और अगर एक्सटर्नल है तो इससे जहन में एक और बात आती है, शायद कोई इंटरनल भी। ये हम आज के लेक्चर के बाद सीखेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? बल्कि आज की जो आपकी केस स्टडी है ना, एक सॉरी क्वेश्चन है, उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ जो आपने पूछा। और की क्वेश्चन कल अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर ना हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं उस वक्त एक्सप्लेन कर दूंगा। ये अभी हमने पढ़ा नहीं, आज के लेक्चर का पार्ट है। और कोई क्वेश्चन? क्लोज कर दें इसको। चलिए, ये हमारे जी जी पार्टनरशिप है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसे यार। लेकिन क्या एक पार्टनरशिप अगर ऑडिट करवाना चाहे तो करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है। ऐसे ऑडिट को फिर हम क्या कहते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। शाबाश। अच्छा, ये तो हमारी होम असाइनमेंट थी ना। अब आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा हो, उसमें कोई चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आई तो पूछ ले। शाबाश शाबाश, नहीं पूछने, चले अच्छी। जी जी, ऑडिटर ये टर्म अभी हमने नहीं पढ़ी। रिव्यू, मुझे नहीं पता रिव्यू क्या होता है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। ये आपने पढ़ा? अरे जब पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे इसका। चलिए, अब नेक्स्ट एक टर्म यूज हुई थी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। कल या परसों के लेक्चर में मैंने आपको ये डिस्कस किया था, इंटरनल कंट्रोल या सिस्टम, या इसे हम बाजूकात कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं, या जल्दी में सिर्फ सिस्टम भी कह सकते हैं, जो क्लाइंट का, क्लाइंट पता है मैं किसको कह रहा हूं, जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, वो कोई सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, वो कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं कहता हूं किसी पर्सन के बारे में, मैंने कहना है कि इस कंपनी का चेयरमैन कौन है, वर्ड चेयरमैन से नॉर्मली ये लगता है कि जो बंदा इसको लीड कर रहा होगा ना, वो कोई आदमी, कोई मेल होगा, चेयरमैन है ना। तो मेरा ख्याल है अगर कोई फीमेल लीड कर रही हो ना उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए वर्ड चेयर वुमेन होना चाहिए, चेयर पर्सन। शाबा, चेयर पर्सन वो वर्ड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, ये न्यूट्रल वर्ड है। उसी तरह याद रखिएगा, हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो सोल प्रोप्राइटर भी है, पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी है। आप चाहे तो ये कह सकते हैं कि मैं इस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मैं इस पार्टनरशिप का ऑडिट करने जा रहा हूं, मैं इस सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट करने जा रहा हूं, ये भी कह सकते हैं। या एक न्यूट्रल वर्ड जो इन तीनों के लिए यूज होता है वो भी यूज कर सकते हैं, वो वर्ड है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। एंटिटी इज इक्वल टू सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस पार्टनरशिप प्लस कंपनी, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो कंपनी होते हैं। तो हम जब किसी कोई भी एंटिटी है, वो फाइनेंशियल स्टेट, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है। तो याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक प्रोसेस से, एक सिस्टम से गुजर के बनती है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक बकायदा एक सिस्टम से गुजर के बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जैसे आपने अगर ये पेपर पास करना है, आप एक सिस्टम से गुजरते हैं। वो सिस्टम क्या है? आप कॉलेज जाते हैं, आप टेस्ट देते हैं, आप असाइनमेंट्स करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये सिस्टम का हिस्सा है, ये मिलके सिस्टम बनाती हैं जिससे गुजर के आप पेपर की तैयारी करते हैं। अगर ये सिस्टम स्ट्रांग हो, अच्छा हो, तो आपके पास होने का चांस बढ़ जाता है, और अगर ये सिस्टम वीक हो तो आपके पास होने का चांस कम हो जाता है। एग्री करते हैं इसे? उसी तरीके से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो किसी ना किसी प्रोसेस से गुजरती हैं, किसी ना किसी सिस्टम से गुजरती हैं। उस सिस्टम को कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
आपने इससे पहले शायद आईटी पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो सिस्टम होता है ना, कोई भी मॉडल, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, अकाउंटिंग का सिस्टम है, उसमें जो आउटपुट है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जरा गौर से सुनिएगा, ये कंसेप्ट समझने वाले हैं, ये आगे चल के पूरे ऑडिट में यूज होंगे। आउटपुट है फाइनेंशियल। अच्छा मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चुटकी बजाते में बन जाती हैं क्या? कि पहले कोई ट्रांजैक्शंस अकर होती है, सेल की, परचेज की, इनकम की, एक्सपेंसेस की, फिर उसकी कोई अप्रूवल वगैरह होती है, चेकिंग वगैरह होती है, और फिर अप्रूवल चेकिंग के बाद रिकंसिलिएशन वगैरह होती हैं, उनके बनाने के बाद फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बताइए क्या एक पूरे सिस्टम से, फेज से, प्रोसेस से गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही होती है ना? तो हमारे इस काउंटिंग सिस्टम के तीन हिस्से हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आउटपुट किसको कहते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इनपुट किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी को, जैसे सेल की ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन, और भी बहुत सी ट्रांजैक्शन हो सकती है। ये ट्रांजैक्शन इनपुट हैं हमारे सिस्टम के। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अगर होती हैं, हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, फाइनेंशियल बनती जाती। लेकिन याद रखें, ये ट्रांजैक्शंस एक प्रोसेस से गुजरती हैं, क्योंकि जो CFO है, उसे अगर किसी मैनेजर अकाउंट ने आके कहा, सर 10,000 की सेल रिकॉर्ड कर दूं, वो कहेगा नहीं, पहले मुझे कोई दिखाओ, क्या सेल वाकई हुई है, कोई गुड डिस्पैच नोट बना है, कोई सेल इनवाइस बनी है, कोई कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया था, क्या ये चीजें CFO चेक करने के बाद अप्रूव करेगा जब सेल्स की ट्रांजैक्शन को। उसके बाद नॉर्मली सेल्स की ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती हैं, ये सारी चेकिंग किए बगैर ही हो जाती हैं, इसके बाद होते हैं। तो याद रखें, किसी भी एरिया में, एरिया से मुराद अकाउंट, टी अकाउंट को हम प्रैक्टिकली एरिया बोल देते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में, किसी भी अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, फिर वो एक बकायदा प्रोसेस से गुजरते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती है, उसमें इन्वेंट्री का बैलेंस होता है, ये एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी उसमें इन्वेंट्री का बैलेंस होगा। क्या वो इन्वेंट्री का बैलेंस ऐसे हवाई इंक्लूड कर देते हैं कि मेरा ख्याल है, अंदाजा है मेरा कि 10 लाख इन्वेंट्री होगी, चलो भाई बैलेंस शीट में 10 लाख इन्वेंट्री लिखो, कि बकायदा स्टॉक काउंट, बकायदा एक प्रोसेस होता होगा। प्रोसेस क्या होता होगा? स्टॉक काउंट होता होगा, फिर उस फिजिकल बैलेंस की बुक बैलेंस के साथ रिकंसिलिएशन बनती होगी, फिर उसके बाद अगर उनमें कोई फर्क है, वो एडजस्ट होते होंगे, और फिर उन एडजस्टमेंट्स के बाद जो एडजस्टेड बैलेंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाता होगा। बताइए, ये सारे पॉलिसीज, ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी कि नहीं? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक का बैलेंस है, तो मेरा ख्याल ये है फाइनेंशियल, बैंक का बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा होता है बैलेंस शीट में, तो जो भी टी अकाउंट का बैलेंस है उठा के एज इट इज 30 जून को बैलेंस शीट में लिख दिया जाता होगा, ऐसा नहीं, बल्कि इस बैलेंस को रिकनसाइल किया जाता है बैंक स्टेटमेंट के साथ। अगर डिफरेंस हो तो रिकनसिलिएशन बनती है, रिकनसिलिएशन के बाद जो एडजस्टेड बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में जाए, ऐसा ही है। तो आप एग्री करते हैं बैंक के एरिया में रिकंसिलिएशन बननी चाहिए, आप एग्री करते हैं इन्वेंट्री के एरिया में स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए, अच्छा आप एग्री करते हैं कि जो सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, CFO की तरफ से पहले अप्रूव्ड हो, सेल की ट्रांजैक्शन या परचेज की ट्रांजैक्शन या सैलरीज पे कर रहे हैं, पेरोल की ट्रांजैक्शन CFO से अप्रूव्ड हो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो, या कि कोई भी उठ के कहे कि मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी, उसे इजाजत होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स की हो जाए, परचेज की हो जाए, पेरोल की हो जाए, कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस, वो एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो जाते, बल्कि नॉर्मली एक प्रॉपर सिस्टम से गुजरते हैं। ठीक है, उस सिस्टम में एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये केस टू केस वेरी करता है।
जैसे अगर इन्वेंट्री का केस हो तो उसमें एक एक्टिविटी होगी स्टॉक टेकिंग, बैंक का केस हो तो उसमें एक्टिविटी होगी रिकंसिलिएशन बनाई जाती है, उसके बाद फिगर्स फाइनल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड की जाती है। एक्सपेंसेस का कोई एरिया हो, एक्सपेंसेस के ट्रांस, तो पहले हायर मैनेजमेंट उसको अप्रूव करती है, फिर वो रिकॉर्ड होती है। तो ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं ना, जिनसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं, इनको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये जब आप प्रैक्टिकली ऑडिट करने के लिए जाएंगे, आपको पता चलेगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। अब देखें, आप प्रोफेशनल है, मेरा मकसद सिर्फ समझाना है आपको एग्जाम, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। आप जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर कॉलेज का सिस्टम अच्छा होगा तो आपके पास होने का चांस बढ़ेगा। अब आप भी प्रोफेशनल है, आपको अंदाजा है कि हर कॉलेज का सिस्टम एक जैसा नहीं होता। आप मुझे बताइए, आप कहीं पे एडमिशन लेने से पहले उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप कहेंगे सिस्टम से क्या फर्क पड़ता है, हमने ये देखना है कि यहाँ पे सीए करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है, तो एडमिशन ले लेते, अंडरस्टैंड करेंगे। उसी तरह मुझे बताइए, ये हम, याद रखिएगा, हम अल्टीमेटली एज ऑडिटर इस सिस्टम के तीन फेजेस हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक, अब आउटपुट से क्या हमरा, ये तो जनरल वर्ड है ना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, मैं स्पेसिफिक वर्ड अब यूज करूंगा, आउटपुट की बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलूंगा, प्रोसेसिंग की बजाय इंटरनल कंट्रोल बोलूंगा, इनपुट की बजाय ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी बोलूंगा, आपको समझ आ जाएगी। मुझे बताइए, हम इस अल्टीमेटली किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं एज ऑडिटर, अल्टीमेटली किस चीज के बारे में बताना है हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और इसमें ये पांच चीजें पता ना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बताना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है कि नहीं? क्या हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बताना है कि सेल परचेज इंडिविजुअली अलग-अलग ठीक है कि नहीं? नहीं, याद रखें, हमने एक ओपिनियन देना है एग्रीगेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर हमने ओपिनियन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जिम्मेदार हैं, सिर्फ ये बताना है कि ये ठीक है कि नहीं, तो मेरा ख्याल है हमें बाकी की चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए। क्यों? गौर से सुनिए, अब ये गौर से सुनना, अब लेक्चर का जो ये अगले 10 मिनट अटेंटिव होके, इसमें बहुत से कंसेप्ट्स हैं आपके सीखने के लिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जिम्मेदार हैं, तो मेरा ये ख्याल है हमें अपने सारे के सारे प्रोसीजर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फोकस करके परफॉर्म करने चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हमें बाकी के फेजेस, जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये स्ट्रांग है कि वीक है। भाई क्यों करना चाहिए? हालांकि हमारी जिम्मेदारी में इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है, ऑडिटर की जिम्मेदारी में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंटरनल कंट्रोल के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू बताना नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं, तो हमें क्यों ऐसा काम करना चाहिए जो जिम्मेदारी में नहीं है? क्यों? इसलिए कि इंटरनल कंट्रोल इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। अगर हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग, तो इससे हमारे प्रोसी, हमें पता चलेगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों का चांस कम है, हमारे प्रोसीजर भी कम हो जाएंगे। और अगर हमें इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है ये वीक है, हमारा रिस्क बढ़ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं। भाई आप किसी जगह ऑडिट करने के लिए जाएं, वहां पता चले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनती, वहां पता चले कि स्टॉक टेकिंग इन्वेंट्री की होती नहीं है, वहां पे पता चले कि पेमेंट्स की अप्रूवल हायर मैनेजमेंट की तरफ से नहीं होती, आपका अंदाजा क्या होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मिस स्टेटमेंट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो रिस्क बढ़ जाएगा, आप यहां पे ज्यादा काम करेंगे। और अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो, रिस्क कम हो जाएगा, कम काम करेंगे। तो कंक्लूजन पे आइए,
क्या किसी भी जगह हम ऑडिट करने के लिए जाएं, हम डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना शुरू कर दें कि पहले इंटरनल कंट्रोल को भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए? चाहिए क्लियर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक डॉक्टर की जिम्मेदारी इलाज करना है, लेकिन कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर फौरी तौर पे उसको ऑपरेशन करना शुरू नहीं कर देता, फौरी तौर पे उसको मेडिसिन नहीं दे देता, हालांकि उसका असल मकसद इलाज करना ही है। पहले डॉक्टर टेस्ट करता है कि भाई मैं इस अपने पेशेंट को स्कैन करूँ, एक क्या बीमारी कितनी सवेयर है, अगर बीमारी ज़्यादा सवेयर है उसका तरीका इलाज कुछ और होगा, कम सवेयर है उसका तरीका इलाज कुछ और होगा। तो एज ऑडिटर हम भी याद रखिए स्टैंडर्ड कहते हैं, किसी कंपनी का ऑडिट क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएं, फौरन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना ना शुरू कर दें, पहले उसके सिस्टम को स्कैन करें, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रांग है कि ठीक है। स्ट्रांग है तो प्रोसीजर कम, वीक है तो प्रोसीजर ठीक है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने से रिस्क कम हो जाता है, इंटरनल कंट्रोल वीक होने से रिस्क ज्यादा हो जाता है। रिस्क ज्यादा तो प्रोसीजर भी ज्यादा। पर भाई ये बातें समझ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। इस पे हम सारे एग्री हो गए कि हमने अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, लेकिन पहले ज्यादा फोकस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हुआ करेगा, लेकिन दोनों को अंडरस्टैंड करना। आगे चलते, जब हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे, कोई गड़बड़ हमारे सामने आएगी? पॉसिबिलिटी, परफेक्ट तो कोई चीज नहीं होती ना, इसको कहते हैं वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। क्या कहते हैं? जब हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम क्लाइंट के सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ हमें लगेगा समटाइम स्ट्रांग है, समटाइम हमें पता चलेगा वीक है। अगर क्लाइंट स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, इसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वीक है तो हम क्या कहते हैं, क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, इसमें वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस या अल्टरनेट टर्म, एग्जाम में अल्टरनेट टर्म भी यूज कर सकते हैं ना, वीकनेस भी कह सकते हैं, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल भी कह सकते हैं, डेविएशन इन इंटरनल कंट्रोल भी कह सकते हैं। अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ है, इसे क्या कहते हैं, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, डेविएशन इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी तो हमने वेरीफाई करना है, बल्कि इसको ज्यादा करना है, असल जिम्मेदारी तो इसकी है। क्या इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई मिस स्टेटमेंट? इसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो इसे क्या कहते हैं, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल, और इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ हो वीकनेस। अच्छा, मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हमने एक दफा मैनेजमेंट डायरेक्टर को कहा यार ठीक करो, उन्होंने कहा हमने नहीं करने, हमने कहा ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, बताइए ये किसको बताना है हमने? कैसे बताएंगे? जबानी कलामी, रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न रिपोर्ट की शक्ल में, रिपोर्ट की शक्ल में। चलिए इसे इसे क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। इसे कहना ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ होगी इसे मिस स्टेटमेंट कहते हैं, ये शेयर होल्डर्स को बताई जाती है रिटर्न फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट के जरिए, उस डॉक्यूमेंट का नाम है ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए अगर कोई गड़बड़ सामने आ जाए, इसको कहते हैं वीकनेस, ये बताई जाती है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट शेयर होल्डर को नहीं, क्योंकि सिस्टम चलाना, बिजनेस चलाना मैनेजमेंट का काम है। तो गड़बड़ होगी मैनेजमेंट को बताई जाए, जबानी कलामी के रिटर्न फॉर्म में जिस डॉक्यूमेंट के जरिए बताया जाता है उसे कहते हैं मैनेजमेंट लेटर, या उसे क्या कहते हैं, लेटर ऑफ वीकनेस। दो नाम है, मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस। तो एक स्टूडेंट ने लिखा, सर जब कभी ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वीकनेस नजर आए तो वो ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा, ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत? गलत। वीकनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और अगर कोई स्टूडेंट कहे सर देयर इज ए मिस स्टेटमेंट इन इंटरनल कंट्रोल,
उसकी क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये बात समझ आ गए? अच्छा एक चीज और प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, जब कभी हम ऑडिटर अपॉइंट होते हैं ना, हर केस में चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ऑडिट रिपोर्ट हर केस में जाएगी। वो ठीक है तो अनमोडिफाइड, गड़बड़ है तो मोडिफाइड, लेकिन मैनेजमेंट लेटर हर ऑडिट में रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आपको कोई वीकनेसेस नजर आई हैं तो हम मैनेजमेंट लेटर देते हैं, अगर सिस्टम ठीक चल रहा है तो मैनेजमेंट लेटर नहीं दिया जाता। तो प्रैक्टिकली कुछ आपके क्लाइंट ऐसे होंगे जिनमें आप लेटर नहीं देते, क्लियर ये? अच्छा अब ये सारा जो हमने डायग्राम छोटी सी बनाई है इसको एक नज़र देख लें और मुझे बताइए इसका एक एक लफ्ज़ समझ आ गया आपको? जो आपको माइंड मैप दिया है ना उसमें ये लिखे हुए हैं, आप घर जाके तसल्ली से दोबारा पढ़ लीजिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। आगे चलें। जी जी नहीं 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 बस इतना ध्यान में रखें कि अगर हमें कोई वीकनेस नजर आए तो इसका मतलब है सिस्टम में गड़बड़ है, मिस स्टेटमेंट का चांस ज्यादा है, इसमें हमें प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने हैं। और अगर पता चले सिस्टम स्ट्रांग है तो वीक रिस्क हमारा कम हो, गलतियों का चांस कम है, इसमें हमने प्रोसीजर कम परफॉर्म करने, बस इतना ध्यान में रखें। आगे ना चले, नेक्स्ट कंसर्ट की तरफ चलें। ये समझ आ गया सारा? आगे चलो, हमने ये स्टडी किया था कि एक ऑडिट में जिसे हम सम टाइम एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं, कितनी पार्टीज होती हैं? तीन। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स और ऑडिटर। अच्छा मुझे बताइए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर के बगैर शेयर होल्डर्स तक पहुंचे, शेयर होल्डर इनके बारे में श्योर होंगे कि ठीक है? लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ऑडिटर के पास पहुंचे, ऑडिटर से शेयर होल्डर्स के पास पहुंचे, क्या अब शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में किसी ना किसी हद तक श्योर होंगे कि ये ठीक है? इसका मतलब है जो ऑडिटर है इसने शेयर होल्डर को अश्योरेंस प्रोवाइड की है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ऑडिट होने के बाद शेयर होल्डर श्योर हो गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि ये ठीक है, पहले इतने श्योर नहीं थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर असल में अश्योरेंस प्रोवाइडर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के बारे में अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है? श्योर होने से अश्योरेंस का वर्ड नहीं, ठीक। तो ऑडिटर अश्योरेंस प्रोवाइडर है, अगर ऑडिटर अश्योरेंस प्रोवाइडर है तो ऑडिट इंगेजमेंट एक अश्योरेंस इंगेजमेंट ना हो गई? लफज इंगेजमेंट से मुराद एक्टिविटी, जॉब, प्रोजेक्ट, कोई अश्योरेंस इंगेजमेंट हो गई? बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई पूछे अश्योरेंस इंगेजमेंट किस कंसेप्चुअली, टेक्निकली नहीं, एग्जाम में नहीं, कंसेप्चुअली अश्योरेंस एंगेजमेंट किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऑडिट एंगेजमेंट का ही दूसरा नाम अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना? ये तो है आम डेफिनेशन। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं और शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। ये तो है कंसेप्चुअल डेफिनेशन, समझ आ रही है ना? लेकिन अगर एग्जाम में हमसे पूछे अश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन करो, हमने इसे इन अल्फाज के साथ नहीं बताना बल्कि हमने उसे उन टेक्निकल अल्फाज के साथ एक्सप्लेन करना है जो स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है? अगला कंसेप्ट हमारा जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है? वो है अश्योरेंस एंगेजमेंट डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट।
अच्छा मुझे बताइए, कंसेप्चुअली तो आपको पता चल गया ना एश्योरेंस एंगेजमेंट किसे, ऑडिट एंगेजमेंट का दूसरा नाम है एश्योरेंस के, जिसमें क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। अब सुनिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड टेक्निकल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफ, कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया एंड एक्सप्रेस कंक्लूजन टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब ये सारी डेफिनेशन हमने पढ़ तो ली, सुन भी ली, समझ कोई नहीं आई हमें, है ना, लेकिन याद करनी पड़ेगी आपको। क्यों याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी आपको, बताया ना, एक होता है अल्फाज कंसेप्ट समझने समझाने के लिए और एक होते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। अब ये आपको समझ नहीं आए क्योंकि ये एग्जाम में लिखने वाले, लेकिन अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट को कैसे डिफाइन कर रहा है, कह रहा है एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, जब कोई चीज एज इट इज समझ ना आ रही हो तो उसका तरीका होता है उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, उनको फिर हिस्सों को अलग-अलग समझा जाता है। जब अलग-अलग हिस्से समझ आ जाए ना, फिर उस तस्वीर को जोड़ दें, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो हमें अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, हमने इसके कुछ हिस्से करने हैं, पांच हिस्से किए हमने, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। इनको जब हम अलग-अलग समझेंगे ना, तो फिर हमें इंशाल्लाह डेफिनेशन भी पूरी समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक लफज ऐसा है जो ऑडिट का नहीं, सिंपल इंग्लिश का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इवैल्यूएशन। वर्ड इवैल्यूएशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन। चले अब आते हैं हम वापस, हम क्या स्टडी करने लगे हैं, एलिमेंट्स ऑफ। पहले हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट को समझने की कोशिश की, समझ नहीं आई, हमने कहा इसको छोड़ो, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी करते हैं। ये समझ आ गया तो फिर एलिमेंट, तो फिर ये डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब ये सारे एलिमेंट याद रखें, इस डेफिनेशन में से ही निकले। कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के कितने एलिमेंट्स है, पांच एलिमेंट। वो कुछ साइंस में ना, मुझे कुछ चौथी पांचवी क्लास होती थी साइंस की किताब में, एक होता था हशरात की तारीफ, उसमें कुछ इस तरह का होता है कि सर धड़ पेट होते हैं, इस तरह जानदार की तारीफ है, जिन जो डेफिनेशन पे पूरा उतरे उसे हम कहते हैं ये हशरात की डेफिनेशन में शामिल है या ये जानदार, ऐसे ही है ना। तो याद रखिए, दुनिया की कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी उसके ये पांच एलिमेंट्स लाजमी होंगे। ये एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट हमें बता रहे हैं, जैसे साइंस बताती है ना, ये करेक्टरिस्टिक्स पूरी हो जाए तो ये जानदार है, वरना बेजान है, ठीक है। उसी तरह ये पांच एलिमेंट्स है करेक्टरिस्टिक्स, किसी एंगेजमेंट पे पूरे हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, एश्योरेंस एंगेजमेंट, और अगर एक भी मिसिंग हो तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो जाए, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो जाएगी। एग्री करते हैं? अब सुने, पहला थ्री पार्टी रिलेशनशिप, दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से, शेयर होल्ड। अच्छा, अब ना एश्योरेंस एंगेजमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं, तो मैं जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरल वर्ड। तीन पार्टीज हैं, यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर। यूजर किसको कह रहा हूं मैं, शेयर होल्डर्स को, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी किसका, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और प्रैक्टिशनर कौन है, ऑडिटर, ऑडिटर क्लियर बात। तो तीन पार्टीज इन्वॉल्व हुई, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। पहला एलिमेंट समझ आ गया कि दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पार्टी होंगी, कौन कौन सी, यूजर,
रिस्पॉन्सिबल पार्टी डायरेक्ट डिक्शनरी, बेहतर है कि यही अल्फाज यूज करें। हालांकि यूजर का मतलब शेयर होल्डर ही है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब मैनेजमेंट ही है, प्रैक्टिशनर का मतलब ऑडिटर ही है, लेकिन बेहतर है कि जो वर्ड उन्होंने हमें बताए हैं वही यूज करें। थ्री पार्टी रिलेशनशिप समझ आ गया? तो मुझे बताइए इस एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पार्टीज यूज हुई हैं ये? केशव मीन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर यूज हुआ, ऑब्टेन एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स यूज हुआ, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी यूज। अब पहले नहीं शायद आपको पता था, अब आपको पता चल गया है प्रैक्टिशनर से मुराद ऑडिटर है, इंटेंडेड यूजर से मुराद शेयर होल्डर की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से मुराद मैनेजमेंट की बात कर रहा है। आगे चलते हैं थ्री पार्टी में। सूटेबल क्राइटेरिया, या उससे पहले कह ले सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर करनी है और प्रैक्टिशनर ने वेरीफाई करनी है। सब्जेक्ट मैटर बहुत सी तरह का हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या हुआ करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन याद रखें जब आप सीफैब लेवल पे जाएंगे ना तो सब्जेक्ट मैटर की और एग्जांपल्स भी आपके सामने आएंगी, आपको पता चलेगा हम ना सिर्फ ये कि पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, हम फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी? बजट्स, फॉरकास्ट, बजट, एमएफए में पढ़ा होगा ना आपने बजट, तो वो फ्यूचर के बारे में होते हैं। अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट बनाई होती है आपने और एमएफए में बजट के टॉपिक में जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या फर्क होता है? वो पास्ट वाली होती है, वो फ्यूचर वाली होती है। तो फ्यूचर वाली हम दोनों वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन हमारे इस कैफेड में सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर वाली नहीं, बजट नहीं, फॉरकास्ट नहीं, हिस्टोरिकल हो गया हमारे, ठीक है? लेकिन यहां पे आपने वर्ड सब्जेक्ट मैटर यूज करना है जो मैनेजमेंट बनाएगी और हम इसको वेरीफाई। क्राइटेरिया का मतलब है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके मुताबिक फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया जाएगा और जिसके मुताबिक ऑडिटर प्रैक्टिशनर चेक करेगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, क्या कोई ना कोई रूल होता है कि जिसकी जो मर्जी जैसे मर्जी बना दें? रूल है ना, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, एक्सपेंसिस कब रिकॉग्नाइज करने हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन किस तरीके से होगी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस, रूल्स हैं ना, फॉलो करते हैं। इन रूल्स को क्या कहते हैं हम? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये बहुत से रूल्स हैं। आपने अभी जितनी स्टडीज की है ना उसमें दो रूल्स पढ़े होंगे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के, एक पढ़ा होगा IFRS उसके मुताबिक भी फाइनेंशियल, एक पढ़ा होगा टैक्स बेसिस, टैक्स बेस, टैक्स के मुताबिक भी, टैक्स के रूल्स के मुताबिक भी फाइनेंशियल में बनती है भाई, बनती है कि नहीं? इनकम स्टेटमेंट सिर्फ IFRS के मुताबिक बनती है कि टैक्स के रूल्स के मुताबिक भी? और दोनों रूल्स डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ IFRS एक क्राइटेरिया है और टैक्स बेसिस दूसरा क्राइटेरिया। ये है हमारा सूटेबल क्राइटेरिया। तो मुझे ये बताइए पहले सब्जेक्ट मैटर बनता है कि पहले क्राइटेरिया डिसाइड होता है? क्राइटेरिया डिसाइड होता है, उसके बाद उसके उस क्राइटेरिया के मुताबिक सब्जेक्ट मैटर बनता है। और ये क्राइटेरिया के साथ लफज है बड़ा अहम लिखा हुआ है, इसमें एक बड़ा कंसेप्ट छुपा है जो भी नहीं समझा रहा बाद में। क्राइटेरिया सूटेबल होना चाहिए, क्राइटेरिया सूटेबल होना चाहिए। मुझे ये बताइए, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, सर ऑडिट पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर हो गया ऑडिट। मैंने कहा अच्छा किस रूल के मुताबिक पढ़ना है? एक ICAP का सिलेबस है ऑडिट का, एक इंडिया में भी CA करवाया जाता है, उन्होंने भी सिलेबस दिया हुआ है।
मुझे बताइए क्राइटेरिया दो हैं सब्जेक्ट तैयार करने के लिए, दो क्राइटेरिया, एक आई कैप वाला, एक इंडिया वाला। इस बच्चे ने कहा मैंने सर पाकिस्तान में जॉब करनी है, तो इसके लिए सूटेबल क्राइटेरिया कौन सा होगा? पाकिस्तान वाला। क्लियर हुई है बात? अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे पास एक क्लाइंट आया, कहने लगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर दें। हमने कहा अच्छा बताओ जरा क्राइटेरिया कौन सा है? उसने कहा सर मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने शेयर होल्डर्स को भिजवानी है, तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया टैक्स बेसिस का। बताइए क्या क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं? नहीं है। हमें ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसे देने को भी तैयार हो जाए। मेरे पास कोई स्टूडेंट आए और ये कहे सर आई कैप का पेपर देना है लेकिन किताब मुझे आप इंडिया वाली तैयार करवाएं, क्या मुझे ये सोचना चाहिए? मुझे तो फीस मिलेगी, मुझे क्या करवा देता हूँ, थोड़ा बहुत ही फर्क है। एज प्रोफेशनल मैं अपने क्लाइंट के गलत डिसीजन का हिस्सेदार नहीं बनूंगा, मुझे रिफ्यूज करना चाहिए। तो ये समझ आ गया आपको सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं, सूटेबल क्राइटेरिया किसे कहते हैं? और सुने, क्लाइंट आया कहने लगा सर हमारी फाइनेंशियल, क्लाइंट समझ रहे ना किसको कह रहा हूं मैं, जिसने ऑडिट करवाना, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करें। मैंने कहा बिल्कुल कर देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है? उसने कहा बनी है। मैंने कहा क्राइटेरिया क्या? IFRS, वो भी सूटेबल है। मैंने कहा अच्छा लाओ, ये ऑडिट रिपोर्ट पास ही रखी हुई थी किसी दूसरे क्लाइंट की, मैंने नाम चेंज करके साइन कर दिया। यार क्या ठीक किया मैंने, क्या गलती की? मैंने चेकिंग ही नहीं की। मैंने चेकिंग क्यों ठीक है कि नहीं? क्या मुझे कोई भी ओपिनियन देने से पहले, कोई भी रिपोर्ट देने से पहले मेरे पास ये एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं, या मुझे सबूत के बगैर ही ओपिनियन दे देना चाहिए? मैं अगर याद रखें, मैं अगर ये कहता हूं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है तो इसका भी सबूत मेरे पास होना चाहिए, और अगर मैं ये कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं इसका भी सबूत मेरे पास होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या है? एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। जैसे जो जज है ना, जज भी एक प्रैक्टिशनर है, वो जब फैसला सुनाता है तो बताइए क्या फैसला सुनाता है? शक्ल से ही करप्ट लग रहा है, भेज दो इसको जेल। क्या बेसिस ये होती हैं? या बेसिस उसके फैसले की बेसिस एविडेंस होता है, सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत ने नतीजे पे पहुंच दिया है। वो ब्रीफ केस के नतीजे में नहीं पहुंचती सबूत। तो हमने भी ब्रीफ केस लेके रिपोर्ट साइन नहीं करनी, बल्कि क्या लेके रिपोर्ट साइन करनी है? एविडेंस किसे कहते हैं? सबूत को, जिसकी बेस पे हम रिपोर्ट दे रहे होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, बाप की जजमेंट आउट ऑफ सिलेबस सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जजमेंट टेस्ट करना चाहता हूं। हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट आई, उसमें एक एरिया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्या एविडेंस होगा इस चीज का कि ये ठीक है? शाबाश, बिजली के बिल। अच्छा परचेजेस भी उसमें शो हो रही हैं, क्या एविडेंस होगा इस चीज का कि परचेज सप्लाई? शाबाश शाबाश। और सेल्स भी आ रही हैं, सेल्स बैंक का बैलेंस भी आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट, ये है एविडेंस। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ये आपके पास एविडेंस आया, उसमें इन्वेंटरी का बैलेंस भी आ रहा था। अब मुश्किल सवाल पूछ लूं एक, अब चूंकि आपने सारे बता दिए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एविडेंस की एग्जांपल दे दें, तो इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एरिया का कोई ना कोई एविडेंस होता है, और हमने वो एविडेंस लेके फिर रिपोर्ट देनी, एविडेंस लिए बगैर रिपोर्ट। डेटर्स और क्रेडिटर्स, इनका क्या एविडेंस होता है? हाँ गुड, डिस्पैच नोट वगैरह, क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और ऑडिट में याद रखें, उन्होंने हमें इजाजत दी है कि हम एज ऑडिटर उन डेटर और क्रेडिटर से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आपने कोई पैसे लेने देने हैं कि नहीं, ये भी एविडेंस है जो आपने बताया, वो भी ठीक है। ठीक, अच्छा अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछूं, प्रैक्टिकल। एक क्लाइंट है, उसके डेटर्स हैं 10 करोड़ के,
एक जूनियर था, उसने 2 लाख के डेटर्स चेक कर लिए और फिर कहा सर मैंने एविडेंस ले लिया डेटर्स ठीक हैं। बताइए आप, एविडेंस लिया है उसने, आप ये नहीं कह सकते उसने एविडेंस नहीं लिया, एविडेंस लिया लेकिन एविडेंस थोड़ा लिया, समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए जहां पे उन्होंने एविडेंस बताते हैं ना कि ये इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पैटर्न कंक्लूजन पे पूछता है, वहीं पे उन्होंने एक लाइन और लिखी हुई है, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। पूरे चैप्टर के करवा के 2 क्वेश्चंस करवा दिए आपको, क्या एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है? नहीं है। मुझे तो एक चैप्टर अगर करवाया उसके बाद मुझे 15, 20, 25, 30 के स्टडी करें, 15 क्लास करवा दें, 30 आपको घर में दे दें करने के लिए। अगर चैप्टर ज्यादा अहम है, अगर उसमें रिस्क ज्यादा है, अगर वो मुश्किल है तो रिस्क ज्यादा होता है ना, तो मुश्किल वाले चैप्टर में रिस्क ज्यादा उसमें हम यही करेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स हमारे आसान होंगे उसमें रिस्क कम, हमारे प्रोसीजर भी कम, उसमें 5-6 केस स्टडीज करके 10-12 आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए दे दी, खत्म खाने। तो एविडेंस को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एग्री करते हैं? चलिए, और लास्ट कौन सा है? रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें लिखी होती हैं, जैसे आपका रिजल्ट कार्ड होता है, बहुत सी चीजें, सबसे अहम चीज क्या होगी रिपोर्ट के अंदर? पास है कि, इसे कहते हैं कंक्लूजन, ओपिनियन। बाकी डेट भी लिखी होती है, नाम शाम भी, एड्रेस भी लिखा होता है। तो रिपोर्ट के अंदर भी याद रखें, बहुत सी चीजें हम लिखते हैं जब क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट, बहुत सी चीजें लिखते हैं, रिटर्न इंश्योरेंस रिपोर्ट, लेकिन सबसे अहम चीज क्या होती है? हमारा ओपिनियन या कंक्लूजन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट की। मुझे बताइए, हम किसी भी जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे बल्कि इंटरनल कंट्रोल को भी अंडरस्टैंड करेंगे? अगर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, वो स्ट्रांग है, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऑडिट पे? रिस्क कम हो जाएगा, प्रोसीजर कम। और अगर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, पता चला वीक है, रिस्क बढ़ जाएगा, प्रोसीजर भी बढ़ाने पड़ेंगे। जो वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल है किसको बताते हैं? कैसे बताते हैं? मैनेजमेंट लेटर के, शाबाश। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, शेयर कैसे बताते हैं? ऑडिट बोर्ड के अंदर, शाबाश। अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट कितने हैं? 5। कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटर्न इंश्योरेंस। अब जरा दोबारा देखे, कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर, अश्योरेंस एंगेजमेंट मीन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस, ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करता है, किस किस लिए? उसने वैल्यूएट करना है, वेरीफाई करना है, किसको? सब्जेक्ट मैटर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेंस्ट, के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, ठीक है। और फिर कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन देना है, एंड एक्सप्रेसिस हिज कंक्लूजन, किसको कंक्लूजन? कंक्लूजन कैसे देता है? रिपोर्ट के जरिए से। कैसे देता है कंक्लूजन? रिपोर्ट के जरिए। और किसको देता है? यूजर्स को, ताकि इनका कॉन्फिडेंस, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा यूजर्स का, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नहीं, उनका कॉन्फिडेंस पहले इनहेंस है उनके हाथ से जो गुजरी है वही ना हो गया हमारा काम भाई। क्लियर हो गया? आपके पास 1.5 मिनट है, जल्दी से रीडिंग कर लें और फिर उसके बाद मोबाइल सामने ले, वो इनाम देने की बारी आ गई है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। शाबाश शाबाश। Thank you.
चलिए बस बहुत पढ़ लिया हमने, पढ़ पढ़ के थक गए, बंद कर दें किताबें कापियां नोट सब बंद, सब बंद कर दें फौरन फौरन आ जाए। किधर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, किधर लिखा है? नहीं उसको अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल को छोड़ दे, menti.com पे जाना है आपने, कोड एंटर करना है 3335-3812, फटाफट आ जाए। ये प्राइस, और प्राइस आपको पता है हम 5 की बजाय 10 स्टूडेंट्स को दिया करते हैं। शाबाश शाबाश, घर जाके बताते हैं कि आज इनाम मिला है? मैं जब स्टूडेंट था इनाम मिलता था, घर जाके बताता, इनाम से ज्यादा भी इनाम मिला करता था पास घर से। चलिए 3335-3812 पहुंच गए यहाँ पे। Yes, कितने भैया? अभी 48 स्टूडेंट ही पहुंचे हैं, फिर ऐसे ना करें। ऊपर है डबल कोड है 3335-3812, नेट का पासवर्ड कोई नहीं है मेरा। चलिए ये तो आपको पता ही है, 10 क्वेश्चन है, फास्टर आंसर करना है आपने, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और अपने नाम की जगह भी आपने अपना आईकैप का CRN लिखना है। जी आगे आप, चलिए स्टार्ट करें। भाई जल्दी आ जाओ, कर ले ज्वाइन, कोई नहीं अभी अभी कर। चलिए जी भगवान 50 हो गए, ठीक है अब डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, टू होम शुड ही कम्युनिकेट? मैनेजमेंट को करेगा, शेयर होल्डर्स को तो नहीं करेगा? हमें उससे गर्ज ही नहीं है, हमें तो एक दूसरी चीज से गर्ज है, वो बताओ हमें, पैसा नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसर्न होते हैं, तो किसको कम्युनिकेट करना है? शाबाश मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को नहीं करना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू अगला क्वेश्चन ये रहा। आप अपने मोबाइल पे देखिए, मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट? क्या करता है ऑडिटर? ये करेक्ट रिस्पॉन्स है, रिस्क इंक्रीज कर देता है, करता है? करेक्ट रिस्पॉन्स है। मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करता है? खुदा का खौफ करें, मॉडिफाइड रिपोर्ट वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल की वजह से इशू नहीं होती, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से इशू होती है, ये ना कर, ठीक है? तो ये जो है ये गलत रिस्पॉन्स, और यही सिलेक्ट करना था, नॉट ए करेक्ट, गलत को सिलेक्ट करना था, ठीक। और इंक्रीज ऑडिट प्रोसीजर ये भी करता है, यानी ये तीनों काम, जब वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आती है सामने, तीनों काम करता है, ये नहीं करता, ये कब करेगा? शाबाश, जब मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है. लेटर ऑफ वीकनेस इज इश्यू टू शेयर होल्डर, गलत. मिस स्टेटमेंट करेक्टेड बाय मैनेजमेंट आर मेंशन इन रिपोर्ट, ये भी गलत. जो मिस स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए वो रिपोर्ट में मेंशन नहीं होती. फिर ऑडिटर शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, ये गलत है. ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, ये टाइम वेस्टेज नहीं होती. इसलिए कि इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल की बेस पे डिसाइड करेगा वो रिस्क कम है कि ज्यादा है, प्रोसीजर कम है कि ज्यादा है. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करनी चाहिए कि नहीं? फिर से बताइए, क्या ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑब्टेन करना चाहिए कि नहीं? फिर से बताइए, भाई नहीं बता रहे, क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए. शाबाश, इसका अंदर कंसेप्ट समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ अब ये मसला करेगा आकर. Which of the following is a weakness in internal control? Management ने depreciation record नहीं की. System की weakness है कि financial statement में misstatement. ये financial statement गलत है. Management ने bad debt record नहीं किए. Misstatement. Payments without approval. ये आपको बताया था. ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल होना, रिकंसिलिएशन बनना, एक से ज्यादा लोगों को हायर करना ताकि एक दूसरे का काम चेक करें, ये सारे कंट्रोल्स हैं. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम या एक्सपेंस का सही रिकॉर्ड ना होना, एसेट्स या लायबिलिटी का सही रिकॉर्ड ना होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अच्छा, आपने ऐसे नहीं सोचना कि मिस स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तो सिस्टम में गड़बड़ की वजह से होगी. वो हो सकती है, लेकिन जो हमसे इंफॉर्मेशन हमें दी है उसकी बेस पे हमने सिर्फ उसी का एनालिसिस करना है. इंफॉर्मेशन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएंगे मिस स्टेटमेंट. भाई क्लियर हुआ? इसमें कीवर्ड था ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन और अप्रूवल्स हमेशा इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी इनकम या एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी सही रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमेशा मिस स्टेटमेंट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब की बार बताना है कि कौन सी मिस स्टेटमेंट है. सेग्रीगेशन, यानी एक ही बंदा बहुत से काम कर रहा हो, ये अच्छा सिस्टम है कि पुअर सिस्टम है? वीक. इस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती तो नहीं है ना? ये इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल. फिर बीआरएस प्रिपेयर नहीं हो रही. बीआरएस समझते हैं ना किसको कहते हैं? बैंक. फिर ये क्या है? मिस स्टेटमेंट के वीकनेस. वीकनेस इंटरनल कंट्रोल. ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को कॉस्ट पे लिखा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, उसे एनआरवी पे लिखना चाहिए था. एनआरवी पे. शाबाश, अकाउंटिंग बढ़िया. अप्रूवल इज नॉट ऑब्टेन्ड, ठीक है, अप्रूवल इज नॉट ऑब्टेन्ड बिफोर क्रेडिट. क्रेडिट शेयर करने से पहले अप्रूवल नहीं दी जा रही, ये वीकनेस है. अप्रूवल वीकनेस होती है. इन्वेंट्री इज नॉट काउंटेड एट मंथ एंड, ये भी वीकनेस है. क्लियर हो गया ये? तो इन दो क्वेश्चन से आपको मिस स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल वीकनेस में फर्क पता चल गया होगा. और एग्जांपल्स भी हमने कुछ सीख ली जो हम भूल गए होंगे थोड़ी देर में. कोई मसला नहीं, आगे हो रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई कोई बात नहीं, मुश्किलें फिर इतनी मुश्किलें आप पे डालनी आसान हो जाएंगे.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. सारे हैं, बताया था ना, कंसेप्ट और टेक्निकल क्राइटेरिया है, सूटेबल क्राइटेरिया, थ्री पार्टी रिलेशनशिप है, सब्जेक्ट मैटर है, ऑडिटर कंक्लूजन नहीं है, रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट है. इससे हमें ये समझ आ गया कि रिपोर्ट में और कंक्लूजन में फर्क है. कंक्लूजन इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट, कंक्लूजन इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट. बताया था ना आई कैप में रिजल्ट, वो कंक्लूजन है. तो सही तो कर दिया आपने, फिर परेशान क्यों हो रहे? सही भी कर दिया फिर परेशान भी हो रहे. इनमें से कौन सा पेरोल के लिए, पेरोल पता है ना सैलरीज को कहते हैं, रेलिवेंट नहीं है. चेकिंग डेट एम्प्लॉइज आर फिजिकली वर्किंग इन ऑफिस, ये करते हैं काम पेरोल के बारे में, करना चाहिए, बिल्कुल करते हैं. सैलरी सही कैलकुलेट हुई है कि नहीं, ये भी करना चाहिए, ये भी पेरोल के लिए रेलिवेंट है. एम्प्लॉइज मौजूद है कि नहीं, चेक करना चाहिए. सैलरी सही कैलकुलेट हुई कि नहीं, चेक करना चाहिए. फिर इसके बाद ओवर टाइम की अप्रूवल सीनियर मैनेजमेंट ने, यह भी चेक करना चाहिए. चेकिंग रेंट, रेंट इज एज पर एग्रीमेंट, ये पेरोल में नहीं चेक करना चाहिए. रेंट को वेरीफाई कर रहे हो ना, फिर ये रेलिवेंट है. इसका मतलब है हर एविडेंस हर एरिया से रेलिवेंट नहीं है. हम जिस एरिया को चेक कर रहे हो ना उससे रेलिवेंट एविडेंस रहते हैं. मैं अगर मैनेजर हूं, इनको सेल्स वेरीफाई करने को कहा, इनको परचेज वेरीफाई करने को कहा, अब ये परचेज इनवाइस चेक कर रहे हैं, तो ये तो पागल है ना, काम ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे की आसानी कर रहे हैं. भाई पेरोल वाला पेरोल का काम करे, फिक्स एसेट वाला फिक्स एसेट करे. ये थोड़ा छोटा हो गया ज्यादा ही. अब आप मोबाइल पे देखिए, मोबाइल पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडिटिंग फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को ऑडिट करते हुए कौन सा रेलिवेंट एविडेंस नहीं है. पहला डेप्रिसिएशन, फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए. फिक्स एसेट में ये चेक करेंगे तो ये रेलिवेंट है. फिर चेकिंग डेट प्रॉपर्टी डिस्पोजल, जो फिक्स एसेट बेच दिए वो हमारे एसेट से निकल जाने चाहिए. फिक्स एसेट में ये चेक करेंगे, ये भी रेलिवेंट है. फिर चेकिंग डेट व्हीकल फिजिकली एग्जिस्ट, ये भी रेलिवेंट. कौन सा रेलिवेंट नहीं है? चेकिंग डेट इन्वेंट्रीज परचेज फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर, ठीक है. इन्वेंट्री, ये तो इन्वेंट्री से रेलिवेंट है ना, फिक्स एसेट से रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है, ठीक है. चेकिंग डेट लैंड इज इन द नेम ऑफ कंपनी, ये भी फिक्स एसेट से रेलिवेंट है. चलिए बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लें. अभी जी अब बताइए कौन सा सूटेबल क्राइटेरिया होगा. IFRS. शाबाश. सबने ठीक कर दिया, शाबाश. लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 50 रुपए के लिए. ये भी है, कौन सी पार्टी नहीं है? आईकैप एंड SLCP. ये रेलिवेंट पार्टी नहीं. चलिए भाई जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. पहली 10 पोजीशन पे
ये हाइब्रिड की क्लास में आज लाजमी कोई ना कोई प्राइज विनर होना चाहिए। 129412 129412 किधर है? शाबाश 50, ये जरा भाई को दे दे। 129987 129987 135800 135, ये चेक एविडेंस चेक करना, एविडेंस देख के। फोर्थ पोजीशन उसामा, उसामा भाई किधर है? उसामा, उसामा भाई पीछे उनको दीजिए। 12 12 शाबाश शाबाश। नेक्स्ट सिक्स पोजीशन किसकी है? सिक्स, शाबाश इनको दीजिए। सेवंथ पोजीशन दिखाएं, शाबाश। एट पोजीशन, एट पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन। साहब भाई हाइब्रिड वाले क्या करते हैं, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हाइब्रिड वाले? ये दीजिए, ये टेंथ पोजीशन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।